बिजनेस तुम्हारा मेरा लाइफ भाई का समीर भाई का होना चाहिए था। ये बिजनेस यहूदियों नसारा का, पेप्सी कंपनी का, कोका कोला कंपनी का है। हमने कुरान नहीं पढ़ा, उन लोगों ने कुरान पढ़ा। सबसे पहले आप लोगों को बताऊँ, मेरा नाम है श्याम अली और मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में मैं बताती हूँ। मैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और मैंने इसके अलावा बहुत सारे और भी कोर्सेस किए हैं। जो कुछ उसमें से कुछ कोर्सेस मैंने लंदन से पास किए हैं, कुछ कोर्सेस मैंने जर्मनी से पास किए हैं और कुछ कोर्सेस मैंने डेनमार्क से पास किए हैं। तो मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो तमाम चीज़ों के ऊपर है। मैं इलेक्ट्रिकल के बारे में जानता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानता हूँ, मैं मैकेनिकल के बारे में जानता हूँ, मैं मैनेजमेंट के बारे में जानता हूँ। और आप लोगों को लेकिन मैं सबसे प्यारी बात ये बताऊँ, सबसे अच्छी बात ये बताऊँ कि मेरा ताल्लुक किसी बड़े घराने से नहीं था। मेरे वालिदैन भी एक छोटे से लोग थे, मेरे वालिद भी एक जॉब करने वाले आदमी थे और हम चार भाई बहन हैं और हम लोग भी जैसे आप लोग हैं, हम लोग भी ऐसे ही लोग थे। लेकिन सिर्फ मेरे जमीन के अंदर एक चीज थी कि मुझे ये चीज करना है, मुझे ये चीज करना है, मुझे लोगों से हटना है, मुझे भीड़ में खड़ा नहीं होना है, मुझे भीड़ में खड़ा नहीं होना है। इसके लिए पहले मैंने क्या किया कि पहले मैंने डिप्लोमा किया मैकेनिकल से, उसके बाद मैंने डिग्री करी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, उसके बाद मैंने अपने पैसे से मैंने कुछ और भी बहुत ज्यादा कोर्सेस किए। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने लंदन से कोर्सेस पास किए, मैंने जर्मनी से कोर्सेस पास किए, मैंने डेनमार्क से कोर्सेस पास किए और आज की तारीख में मैं एक 16,000 आदमियों की कंपनी के अंदर मेंटेनेंस मैनेजर का काम कर रहा हूँ। हमारी 6-7 अलग अलग ब्रांचेज हैं, उसके अंदर मैं लगभग 14 का काम कर रहा हूँ। और आप लोगों के लिए मैं बताऊं कि मेरी इब्तदाई तालीम उर्दू मीडियम से हुई थी। एक छोटी सी स्कूल है जिसका नाम है अंजुमन खैरुल इस्लाम विद्रोही में। मैं किसी ऑक्सफोर्ड से नहीं पढ़ा हूँ, मैं किसी यहाँ से नहीं पढ़ा हूँ। तो मेरा इतनी तफसील आप लोगों को बताने का मकसद ये कि जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते वो सब चीज। जब मैं एक छोटे सी चीज के ऊपर, एक छोटे से तबके से लेके आज मेरे अंडर में इतनी सारी ग्रुप है, कंपनियां हैं, इतने लोग मेरे अंडर में काम कर रहे, तो आप क्यों नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे बात क्या आ जाती है, बात आ जाती है यहाँ पे हमारे को क्या देखना है, एम क्या है, मेरा एम क्या है। मेरा एम सिर्फ एक ही एम था मेरा, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे अच्छा इंजीनियर बनना है, मुझे अच्छा इंजीनियर बनना है और मुझे भीड़ से हटके इंजीनियर बनना है। मतलब मैंने ये कभी भी नहीं चाहा कि मेरे पास 35% आए या 40% आए, 45% आए, 50% आए, मैं ये कभी भी नहीं चाहता था। अच्छा आप क्या बनना चाहते बेटा? क्यों? ड्रीम क्यों तुम्हारा? वो ऐसे ही अच्छा लगता है कि बात नहीं है? क्यों अच्छा लगता है? रीजन क्या तुम्हारा उसके पीछे? क्या रीजन क्या उसके पीछे? या तुमने वो तो नहीं देखे थी पिक्चर, डर पिक्चर देख के तो नहीं होता? नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप क्या बनना चाहते बेटा? ड्रीम तो बसों में ड्रीम होते हैं, लेकिन क्यों ड्रीम क्यों आपका? क्यों ड्रीम क्यों? क्यों क्यों ड्रीम आपका? क्यों नहीं डॉक्टर ही क्यों? क्यों डॉक्टर? इंटरेस्टेड? क्यों इंटरेस्टेड? आपका बनना चाहते बेटा? बैंक।
अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ। क्यों? हर एक में मैं जहाँ पे सबके पास अगर मैं अगर नंबर वाई नंबर वन अगर मैं करके जाऊंगा ना, सबको पता है कि मुझे आगे चल के क्या बनना है, लेकिन बहुत कम को पता होगा कि मुझे क्यों बनना है। तो जिसके पास में क्यों का आंसर है, क्यों का आंसर है, वही सबसे दूर जाएगा। जिसके पास उसके आंसर है मुझे क्यों